अस्सलामुअलैकुम जी, हमने लास्ट टाइम अपना लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट किया था और लॉ ऑफ डिमांड में हमने कंप्लीट किया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड क्या होता है। इसके बाद जो है लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल था, उसका ग्राफ था, और लॉ ऑफ डिमांड की शिफ्टिंग थी और लॉ ऑफ डिमांड की मूवमेंट थी। अच्छा जी, अब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो देखें लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, वो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर ये होता है कि कंज्यूमर चाहता है कि वो मिनिमम प्राइस पे ख़रीदे। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि जब प्राइस कम होती है तो वो चाहता है वो ज़्यादा ख़रीदे, और जब प्राइस बढ़ती है तो वो कम ख़रीदे। तो ये क्या कहलाता है जी? ये कंज्यूमर बिहेवियर कराता है। और जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर का बिहेवियर कहलाता है। वो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है, वो सेलर का बिहेवियर है। सेलर क्या करता है कि जब प्राइस बढ़ती हैं तो वो कोशिश करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लाए, और जब प्राइस कम होती हैं तो वो, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, तो वो फिर उसका मोटिवेशन नहीं होता कि वो मार्केट में ज़्यादा लाए, तो फिर वो मार्केट में कम लाता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर का या सेलर का बिहेवियर है। लॉ ऑफ डिमांड किसका बिहेवियर है? लॉ ऑफ डिमांड बायर का बिहेवियर है। अच्छा, हमने लास्ट डे डिस्कस किया था कि स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है और सेल क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टॉक क्या होता है? जो चीज़ बन गई है बट इन्वेंशन में है, बट वो पोजीशन ऑफ सेलर है, और सेलर आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल दैट प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर टाइम। वो फ्यूचर का वेट कर रहा है कि फ्यूचर में इस चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे मार्केट में, इसको सेल के लिए लाएंगे, क्योंकि प्राइस में भी अच्छी होगी, या मे बी वो टाइम सूटेबल होगा, या बहुत सी। क्योंकि अगर आप देखें कि अभी जितने लोग हैं जो क्लोथिंग का काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि सर्दियों के अंदर गर्मियों के कपड़े बना रहे होते हैं। ये जो मार्केट वाले होते हैं, ये ऐसा नहीं है गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के कपड़े खरीद के उनको स्ट्रेच करके मार्केट में लाते हैं। वो जब सर्दियां होती हैं तो वो गर्मियों के कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं और वो उनको सर्दियों गर्मियों में मार्केट में लाएंगे, और जब गर्मियां आती हैं तो वो गर्मियों का सारा माल स्टिच होकर वो दुकानों पे सेल के लिए जा चुका होता है, फिर वो गर्मियों में सर्दियों का स्टिच कर रहे होते हैं। तो इस तरह से, यानी कि जब तक वो उसको मार्केट में नहीं लाएंगे तो वो स्टॉक में पड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर क्या होता है, सप्लाई क्या होती है कि वो स्टॉक में भी हो, और स्टॉक में होने के बाद जो सेलर है उसको विलिंगली टू सेल हो, विलिंगली और एबल टू सेल हो, यानी कि उसके पास उस चीज़ का स्टॉक भी मौजूद हो और वो उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट में ला रहा है। सेल क्या होती है? सेल सिंपल ये होता है कि विलिंगनेस भी हो, स्टॉक भी हो, और एक सर्टेन प्राइस पर उसको प्राइस लेकर वो उसको सेल करेगा। एक्ट ऑफ सेलिंग उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। उसको भी हम ग्राफ से थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं, बट अभी हम क्या है कि इंडिविजुअल सप्लाई होती है किसी एक सेलर की सप्लाई होगी। कोई एक बंदा मार्केट के अंदर, अगर मार्केट के अंदर एक शॉप वाला कोई बच्चों के क्लोथ, कोई जेंट्स के क्लोथ, कोई मेंस गारमेंट्स, कोई लेडीज गारमेंट, एक पर्टिकुलर बुनेंजा वाले ला रहे हैं अपनी शॉप पर, तो वो बुनेंजा की इंडिविजुअल सप्लाई है। बट अगर बुनेंजा वाले भी, खाड़ी वाले भी, जितनी डिफरेंट ब्रांड है, उन सबकी सप्लाई जो वो मार्केट में बेचने के लिए लाए हैं और वो दे आर विलिंगली टू सेल हैं, तो उसको हम मार्केट सप्लाई कहते हैं। क्लियर है? किसी मार्केट में किसी एक दुकान वाला जितनी चीज़ें बेचने के लिए ला रहा है, या मोबाइल शॉप पे एक मोबाइल शॉप वाला जितनी चीज़ें बेचने के लिए, जितने सेल फोन, जितने मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए ला रहा है, वो इंडिविजुअल सप्लाई है। और अगर सारी दुकान वालों की सप्लाई को देख लो कि हर दुकान पे कितने मोबाइल बेचने के लिए रखे हुए, उनको जमा करोगे तो वो क्या कहलाएगी? मार्केट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई पूरे मुल्क के अंदर जितनी मार्केटें हैं उन मार्केट्स की आप सप्लाई को ऐड कर लें तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है? अच्छा, अब हम लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई को। लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली क्या है? देखो भाई, लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली स्टेट दैट इफ अदर थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अदर थिंग क्या है कि हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? सोशल साइंस है। और सोशल साइंस मतलब क्या होता है? देखो, साइंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साइंस क्या होती है? जो फैक्ट्स पे बिलीव करती है, और साइंस के फैक्ट इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, वेरी नहीं होते। लाइक साइंस का एक फैक्ट है कि अगर आप पानी को आग पे बॉयल करेंगे, आग पे रखेंगे, तो वो बॉयल हो जाएगा।
वो 50 साल पहले भी ऐसा ही था, वो आज भी ऐसा ही है। 50 साल पहले भी अगर आप किसी बर्तन के अंदर पानी डालें और उस बर्तन को आग पे रख दें, तो वो उस वक्त 50 साल पहले भी बॉयल होता था, और आज 50 साल बाद भी आप एक बर्तन लें और उसमें पानी डालें और उसको आग पे रख दें, आज भी वो बॉयल होता है। यानी कि जो इसका बिहेवियर 50 साल पहले था, वही आज सेम बिहेवियर है। तो यानी कि जो साइंस के फैक्ट है, कैन नॉट बी चेंज। 50 साल पहले भी सूरज जहाँ से निकलता था, आज भी सूरज वहाँ से निकलता है, और 50 साल पहले भी सूरज जहाँ गुरूब होता था, आज भी वहाँ पर सनसेट होता है, गुरूब होता है। तो ये फैक्ट चेंज नहीं होते, तो इनको हम फैक्ट्स बोलते हैं। बट साइंस, ये साइंस है। सोशल साइंस क्या है? जो ह्यूमन से रिलेट करती है, इंसानों से रिलेट करती है। अच्छा, अब इंसान का बिहेवियर देख लें। 50 साल पहले इंसान जैसे कपड़े पहनता था, जैसे घरों में रहता था, जैसा खाना खाता था, जैसे उसके प्रेफरेंस थे, आज वो कंप्लीटली डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? आज वो बिहेवियर उस 50 साल पहले वाले नहीं है। मे बी तुम्हारी गली के अंदर 10 लोग होंगे, 10 लोग डिफरेंट प्रेफरेंस रखते हैं। जब एक सब्जी वाला आता है तुम्हारी दुकान गली के अंदर, तो कुछ घर उससे एक सब्जी ले लेते हैं, कुछ घर उससे कोई टमाटर ले लेते हैं, उनको दूसरी सब्जियां नहीं पसंद आती, कुछ लोग कोई तुरई ले लेते हैं जो दूसरों को तुरई नहीं पसंद आती। यानी कि वो एक सेम सब्जी वाला है, उसकी डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ खरीद रहे हैं। यानी कि हर घर का एक अपना बिहेवियर है, हर घर में रहने वालों की अपनी लाइक्स और डिसलाइक है। कुछ लोग बोलते हैं हम गोश्त खाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम सब्जी खाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम दाल खाएंगे। तो यानी कि जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, तो सोशल साइंस में क्या होता है, ये डील करती है ह्यूमन बिहेवियर से, और ह्यूमन बिहेवियर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी मतलब होता है चेंज होता है। तो जैसे ही पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, तो हम कोई एक ऐसा फिक्स लॉ नहीं बना सकते कि जो हर पर्सन पे अप्लाई हो। मगर साइंस के लॉ फिक्स हैं, क्योंकि 50 साल पहले भी पानी बॉयल होता था आग पे, आज भी पानी बॉयल होता है, तो हम एक फिक्स लॉ बना सकते हैं। मगर 50 साल पहले लोगों की लाइक डिसलाइक प्रेफरेंस डिफरेंट थे, और 50 साल बाद लोगों की लाइक डिसलाइक प्रेफरेंस डिफरेंस है। तो हमको क्या होता है कि सोशल साइंस में हमें लॉ को कोई सर्टेन अज्यूम करना पड़ेगा कि यार हाँ, इंसान का बिहेवियर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, मगर हमें इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखना होगा, हमें इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों को रिमेन सेम रखना होगा। इस टर्म को इकोनॉमिक्स में, अगर आप इंशाल्लाह हायर स्टडी करेंगे, बाहर की बुकें पढ़ेंगे, तो बाहर की जितनी बुक्स हैं उनमें इस चीज़ को सर्टस पेरिबस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टस पेरिबस कंडीशन। और आसान अल्फाज में हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? अजम्पशन, कि ये अज्यूम करेंगे कि सम फैक्टर शुड रिमेन सेम होंगे। तो अजम्पशन, देर इज अ लॉ, देर इज अजम्पशन। जहां इकोनॉमिक्स में लॉ की बात होगी, वहां इकोनॉमिक्स में हम अजम्पशन की बात करेंगे। क्लियर हो रहा है? जहां पर भी किसी लॉ की बात होगी, कुछ ना कुछ चीजें हम पहले से अज्यूम करेंगे कि ये चीज़ें अगर फिक्स होंगी तो लॉ अप्लाई होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली स्टेट दैट, लॉ ऑफ सप्लाई हमें सिंपली ये बताता है, इफ अदर थिंग्स, अदर थिंग्स क्या हैं? अजम्पशन ऑफ लॉ। अगर बाकी चीज़ें, यानी कि अजम्पशन ऑफ लॉ रिमेन द सेम, वो वैसे ही सेम रहें, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट गोज अप, the quantity supply of that product also goes up. अगर price किसी particular product की up होगी, तो supplier भी उसको market में ज़्यादा लेकर आएगा, और vice versa मतलब इसका opposite। और अगर price किसी particular product की down होगी, तो supplier इसको market में कम लेकर आएगा। यहाँ तक बात? There is a direct relationship। Direct relationship क्या होता है? कि जब दो चीज़ों में same direction में इजाफा हो, like मैं यहाँ पर कोई भी variable ले लूँ, मैं यहाँ पर ले लूँ कि यहाँ पर height ले लेते हैं, और यहाँ पर हम weight ले लेते हैं, तो अगर हाइट में इजाफा होगा तो डेफिनेटली वेट में भी इजाफा होगा। तो अगर इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसका ग्राफ हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। जब भी किसी दो वेरिएबल्स की बात करो और उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, अगर इसकी हाइट
फाइव से बढ़कर 6 हो गई, तो इसका वेट अगर 5 पे सपोज कर लो 25 केजी था, तो इसका अब 30 केजी हो गया। सिमिलरली जितनी हाइट बढ़ेगी नॉर्मली उतना वेट बढ़ेगा, अगर इसकी हाइट 7 हो गई तो इसका वेट 35, व्हाटएवर। ये समझाने के लिए, जब भी किसी दो चीज़ों में क्या हो, जब भी किसी दो चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, और जब किसी दो चीज़ों में इनवर्स रिलेशनशिप होगा चाहे वो कुछ भी हो तो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। यानी कि प्राइस अगर है 5 और 10 प्राइस से 5 कम होंगी तो जो भी क्वांटिटी डिमांड या जो भी इस एक्सिस पे तुमने लिया है वो चीज़ इंक्रीज होगी। ये याद रखना, जब भी किसी दो चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो वो क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जब भी किसी चीज़ों में इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इस वाले लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।